हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। और लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे कि तो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बढ़ करके 81.52% हो चुकी है, जबकि FII इसमें 10.19% के साथ बने हैं और 2.1336% की हिस्सेदारी DII के पास है और 5.93% की हिस्सेदारी जो प्रमोटर्स के हाथ में है, जिसका गिरवी अगर आप देखें तो मैं वो भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, इसका 39.82% गिरवी रखा है प्रमोटर्स ने। दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल से अगर आप जाके देखें तो इसका टॉप लाइन जो आया है ओवरऑल टोटल इनकम 739 करोड़ है और जो बॉटम लाइन है प्रॉफिट आया है इस बार इनका 49 करोड़ रुपए का। ये सब बातें तो आपको पता ही होंगी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्या सिचुएशन थी आपको जल्दी से एक नज़र में बताना चाहूँगा। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के अंदर 3.02% की गिरावट के साथ क्लोजिंग होती है। 13.15 के ऊपर ओपन होने के बाद 13.35 का हाई बनाया और 12.60 का लो भी बना डाला। 63,95,391 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,366 करोड़ रुपए। दोस्तों, एक खबर है और ये खबर देख करके काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड इंडियन कंपनी है, आपको ये बात तो पता ही है। इसके अलावा एक यहाँ खबर है, इस खबर को देख करके बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और पैनिक हो सकते हैं। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड अलग है और डिश नेटवर्क अलग है। यहाँ जो बात करी जा रही है दोस्तों, डिश नेटवर्क की बात करी जा रही है। और पहले हेडिंग आपको मैं पढ़ाता हूँ। हेडिंग देखिए, लिखी गई है डिश सिनक्लेयर कैरियज डिस्प्यूट कुड रिमूव 100+ चैनल्स फ्रॉम सैटेलाइट टीवी प्रोवाइडर। दोस्तों, सिनक्लेयर एक तरीके से टीवी प्रोवाइडर है, सैटेलाइट टीवी प्रोवाइडर है और डिश नेटवर्क जो है डिस्ट्रीब्यूटर है। तो देखिए, दोनों के बीच में 16th of August 2021 तक एक डेडलाइन थी और एक एग्रीमेंट था और ये अब एग्रीमेंट जो है ख़त्म होगा तो डेफिनेटली 100+ चैनल्स को रिमूव कर दिया जाएगा डिश टीवी के नेटवर्क से, डिश नेटवर्क से। तो दोस्तों, ये डिश नेटवर्क हमारे इंडियन डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे डिश का मतलब ये नहीं है कि जो जहाँ डिश लगा वो सब डिश टीवी इंडिया लिमिटेड हो। ये हमारे देश की खबर ही नहीं है, ये अमेरिकन खबर है। दिस इज़ नॉट फॉर आर कंपनी। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड को लेकर के न्यूज़ नहीं है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। मैं इसीलिए ये चीज़ बता रहा था क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। डिश यहाँ पे डिश नेटवर्क की बात करी जा रही है और सिनक्लेयर दोनों ये अमेरिकन कंपनी है, वहाँ के लोगों के लिए ये उनकी अपनी डील है। डिश टीवी इंडिया लिमिटेड से इस खबर का कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ आप इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। ये चीज़ मुझे लगी तो आप लोगों को इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। अगर आपको ये कॉन्टेंट समझ में आया, अगर आपको लगा कि हाँ ये चीज़ आपको पहले कन्फ्यूज़ कर रही थी, तो अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे, अब आपको नहीं हो रहा हो। क्योंकि जब आप इस तरीके के जब जिसे डिश टीवी इंडिया लिमिटेड से जुड़ी हुई चीज़ आप ढूंढते हो ना, तो ये रिकमेंडेशंस में दिखाता है, तो फिर इसको देख करके आप पैनिक हो सकते हो, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा, अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।